हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला एकांश मिश्रा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2.3 के क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल इफ टू जीरोस आर दिस दिस। मतलब कह रहा है कि हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें इसके जीरोज़ को निकालना है। कौन सा पॉलिनोमियल है? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x कि स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोज़ क्या हैं? इसके जीरोज़ हैं 5/3 एंड √5/3 नेगेटिव। हमें जीरोज़ दिए गए हैं और हमें इसके जीरोज़ को फाइंड करना है। तो मतलब हमें दो जीरोज़ दिए गए हैं, अब हमें कितने जीरोज़ इसके निकालने हैं? दो। मुझे कैसे पता चला? कि देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज जो होती है वो नंबर ऑफ डिग्री होती है ऑफ दिस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री क्या है? 4। तो 4 यहाँ पर इसके जीरोज होंगे, तो हमें दो जीरोज दिए गए हैं, तो हमें दो और निकालना है। तो बहुत ईजी सा है, हम क्या करेंगे? तो जीरोज को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू √5/3, एक ये था, या तो एक्स इज इक्वल टू √5/3, ये हुआ। अब हम इसको कैसे लिखते थे? या तो एक्स माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो एक्स प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। हमें इसी क्वेश्चन से हम इसको लाते थे। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ए प्लस यक्स इसमें जाएगा तो आएगा प्लस √5/3 इंटू एक्स माइनस, और माइनस 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस √5/3, तो ये आएगा √5/3 इंटू एक्स माइनस साइन ऐसे रहेगा, तो आएगा माइनस 5/3 इंटू एक्स। अब इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? जैसे ये आएगा माइनस, ये आएगा 5/3। 5/3 कैसे आया? तो देखो भाई, जैसे हमने देखा था, जैसे अगर √2 × √2 होता है तो क्या आता है? 2 आता है। तो वैसे √5/3 × √5/3 तो आएगा 5/3 ही तो आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर हमने देखा है ए प्लस √5/3 एक्स माइनस √5/3 एक्स, तो क्या है, कैंसिल हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे अब अगर x माइनस x हो, 2 − 2 हो, तो कैंसिल नहीं हो जाते? तो वैसे ही ये भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या आएगा? x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, अभी आया। अब गाइज हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना है, ऊपर LCM ले लें। LCM ना नहीं लें तो हम ऊपर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा √3। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x² आएगा, 3x² माइनस, यहाँ पर 3 आएगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस 5 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। 0 को जो मल्टीप्लाई होता कोई, तो ये आया इक्वेशन। अब इसको हमें इससे इसको इस पॉलिनोमियल को हमें इससे डिवाइड करना है। तो जो कोसेंट आएगा हमें उससे इसके जीरोज़ को फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है, 3x की। अब हमें इस पॉलिनोमियल को जो हमें जीरोस को सॉल्व करने के बाद आया था, अब उससे हमें डिवाइड करना है। जैसे कि हमने ये बताया था ना, ये जो आया था, और तो ये आया था, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर 3x² है, तो हमने कहा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो अगर हम यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई कर दें, x² से, तो क्या आएगा? 3x⁴। तो यहाँ पर जाएगा 3x⁴ माइनस 5x² आएगा, तो x यहाँ पर लिख देंगे माइनस 5x². अब क्या है, इसके साइन को चेंज कर देना है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस 6x³ −2x² प्लस 5x² आएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, इतना आया। अब हमें क्या करना है? अब 6x³ है, यहाँ पर 3x² है, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म्स कैंसिल हो जाए? तो हमने देखा 2x अगर करें तो हो जाएगा, तो 2x से कर देते हैं, तो 3×2 = 6, x² × x आएगा x³,
2x × −5 ये आएगा −10x। अब यहाँ पर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव भी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3x² − 5x। अब हमने देखा ये चीज़ सेम है, हमने देखा ये चीज़ सेम है, तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा प्लस, 1 से अगर कर दें तो एज टू जैसे सामने यहाँ पर आ जाएगा तो −5 से आ गया। तो ये क्या होगा, माइनस प्लस एक कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन क्या है, x²+2x+1 आया कोसेंट। अब हमें इससे जीरोस निकालना है इस पॉलीनोमियल को सॉल्व करके, कैसे क्यों, क्योंकि देखो हमने जब इस पॉली ये पॉलीनोमियल कहाँ से आया, एक्स की एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 5/x²−5/3 यहाँ से आया, इंटू x²+2x+1 ये क्या आएगा इज इक्वल टू दिस पॉलीनोमियल पी एक्स, मजूम करते हैं। तो अब इसको जब हमने इसको इस शुरुआत में हमें कैसे था, एक्स प्लस √5/3 एक्स माइनस √5/3 अभी इंटू x²+2x+1 इज इक्वल टू पी एक्स है। अब हमने इसको सॉल्व किया था, हमारा √5/3 और −√5/3 हमारे दो रूट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन ही तो ये आएगा, तो हमें इसको इसमें से अब जीरो निकालना है। तो अब जब हम इसमें से करेंगे तो इस करते हैं ना ना x²+2x+1 इज इक्वल टू 0, ये 0 होंगे तभी इक्वेशन 0 होगी। तो इससे आएगा x इज इक्वल टू −√5/3, इससे आएगा x इज इक्वल टू 5√5/3। अब जब ये 0 होगा तब क्या आएगा, तो हमने देखा x², अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको कॉफिशेंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 ही आएगा क्योंकि 1 × 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर 1 का फैक्टर लेंगे तो 1 × 1 1 × 1 ऐसे कर सकते हैं, तो 1 + 1 हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 1x + 1x + 1 इज इक्वल टू 0 कर दिए। तब क्या आएगा, अब हम इसमें देखें x कॉमन है, x कॉमन लिए x+1 आया, यहाँ पर प्लस 1 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि और कुछ ले नहीं सकते, 1 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें x+1 ऐसे हो जाए, एक कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x+1। तो अब 0 कब होंगे, या तो एक क्वेश्चन 0 हो या तो एक क्वेश्चन 0 हो, तो इफ x+1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू −1, एंड इफ अगर ये एक्स की प्लस वन की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स की वैल्यू −1। तो मतलब कि दो जो जीरोस थे वो हमें क्या मिले, −1 −1। तो यहाँ पर हेंस हेंस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या है, मैंने देख √5/−√5/3 to √5/3 into −1 −1 क्योंकि दो जीरोस में −1 −1 है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th करेंगे गाइस। तो आज के वीडियो में बस इतना है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।